धन्यवाद 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 परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं। आपके वचन के लिए और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं आप प्रभु। आपका पवित्र आत्मा जिस प्रकार हमें वचनों को स्पष्ट करता है ताकि हमें वचन का प्रकाश मिले और हम हमारे जीवन में प्रकाश आए, ताकि हमारा जीवन प्रकाशमय हो, क्योंकि हमारा प्रभु असली ज्योति है और उसके साथ चलने वाला ज्योति में चलने वाला होना चाहिए। हम धन्यवाद करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो हम ज्योति में चलते हैं और ज्योति की संगति में रहते हैं और हम दिन की संतान बनते जाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, कलीसिया में हर शख्स और हर परिवार उस ज्योति से भर जाए ताकि सबका जीवन ज्योतिर्मय जीवन हो, ताकि प्रभु की महिमा हो, क्योंकि हमारा प्रभु असली ज्योति है और हम जब ज्योति में जीवन व्यतीत करते हैं, ज्योति के में चलते हैं, तो हमारे जीवन से प्रभु की महिमा प्रकट होती है। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं महान सामर्थी परमेश्वर, और आपकी सामर्थ के लिए, आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए कि आप मनुष्य पर अपना अनुग्रह बनाए रखते हैं, विशेषकर कलीसिया के उन अंगों पर प्रभु जो कलीसिया से दिल से और आत्मा से जुड़े होते हैं, ताकि प्रभु हम सब मिलकर मसीह की वो देह बने जो पुनरुत्थान की देह है और जयवंत और फलवंत है, ताकि सब आने वालों को जो कलीसिया में आते हैं उद्धार का अनुभव हो और मसीह की महिमा का दर्शन हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 63 में हम लोग आज देखेंगे हाउ टू गेट एंड कीप अ गुड कॉन्शियस, यानी एक अच्छा विवेक, यानी इसको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हम अच्छे विवेक को बनाए रख सकते हैं। विवेक बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इस बात को देखा कि बपतिस्मे का संबंध शरीर से नहीं बल्कि हमारे विवेक से है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, जिससे शरीर का मैल दूर करने का अर्थ नहीं परंतु बपतिस्मे का अर्थ है शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। और परमेश्वर आत्मा है, यानी परमेश्वर की आत्मा के वश में हो जाना शुद्ध विवेक से। और शुद्ध विवेक हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और ये विवेक इतना महत्वपूर्ण है कि ये विवेक के बिना, जब तक हमारा विवेक शुद्ध नहीं होता तब तक हम मसीह के सच्चे गवाह नहीं कहला सकते। पहला तिमोथियस 1 अध्याय उसका 18 और 19 पद हिंदी में फिर इंग्लिश में, हे पुत्र तिमोथियस, उन भविष्य वक्ताओं के अनुसार जो उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो तेरे विषय में पहले की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार, इसका मतलब मसीही जीवन एक प्रकार का युद्ध का जीवन है, एक सैनिक वाला जीवन हमको जीना है, ताकि हमें जीवन के हर क्षेत्र में युद्ध की स्थिति बनी हुई है और अटैक्स होते रहेंगे और हमको हर अटैक से डिफेंसिव रहकर उस अटैक का सामना भी करना है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि जब वो अपनी कलीसिया बनाएगा तो कलीसिया के अंगों पर अटैक होंगे, और इसलिए ये एक ऐसा विषय है जहां से प्रभु की कलीसिया, प्रभु के लोग और झूठी कलीसिया और झूठी शिक्षा के लोगों का अंतर समझा जा सकता है। उसने कहा कि जो यहां पे वो पौलुस जो है अपने उस चेले को, जो पौलुस का चेला था और पौलुस की शिक्षा के अनुसार चलता था, पौलुस के अगुवाई में चलता था,
उसको पत्री लिखकर बता रहा है कि अच्छी कुश्ती लड़ता रहे। एक लड़ाई लड़नी है मसीही जीवन में, सेवकों को भी और हर कलीसिया के हर अंग को ये लड़ाई लड़नी है, और ये व्यक्तिगत रूप से नहीं लड़नी है, इसको हमें लड़ना है मसीही जीवन यानी कलीसियाई रूप में लड़ना है सबको मिलकर। तो ये हमारी सामूहिक विश्वास और सामूहिक लड़ाई है कलीसिया की। तो हर कलीसिया जो मसीह की कलीसिया है वो एक प्रकार की लड़ाई में है, ये हमको समझना है पौलुस के इस पत्री से। अब आगे पढ़िए, और विश्वास, और वो ये कह रहा है तू एक अच्छे योद्धा की तरह लड़ता रहे, और क्यों लड़ता रहे, उस विश्वास के लिए जो प्रभु पर तूने किया, उस विश्वास के लिए और अच्छे विवेक के लिए लड़। हाँ, इन दोनों चीजों को तुम्हें थामे रहना है, इसीलिए लिखा है हाउ टू गेट एंड कीप, यानी आपको अच्छा विवेक ऐसे नहीं मिलेगा, आपको इस विवेक के लिए युद्ध करना होगा। और युद्ध में आप पवित्र आत्मा के साथ अगर हैं तो पवित्र आत्मा उस युद्ध के दौरान आपको इतनी चीजें दिखाएगा, सिखाएगा, बताएगा, और ऐसी ऐसे लोगों के बीच में ले जाएगा और ऐसी ऐसी परिस्थितियों में ले जाएगा कि आपको कहीं पर भी आकर्षित नहीं होना है, बल्कि सतर्क रहना है, क्योंकि आपके पास जो विश्वास है जो आपने यीशु मसीह पर किया है, उसके पुनरुत्थान पर किया कि वो जीवित प्रभु है और वो जी उठा है, आप पुनरुत्थान में आगे जा रहे हैं मृत्यु को पार करके, तो आप में इसमें इस मार्ग में स्थिरता से पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहें। इसलिए एक लड़ाई है, एक संघर्ष है, और इसको हम कॉन्फ्लिक्ट भी बोल सकते हैं। और इस किस चीज के लिए, विश्वास के लिए और अच्छे विवेक के लिए हमको यह लड़ना है। जी, बहुत से लोगों ने विश्वास और अच्छे विवेक की रक्षा करने में असमर्थ हो गए और इस लड़ाई में हार गए, जिसके कारण उनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया। यानी विश्वास से एक बड़ी कलीसिया बना ली, ये विश्वास रूपी जहाज बन गया। हर कलीसिया जो व्यक्ति मनुष्य बना रहा है वो विश्वास रूपी जहाज बना रहा है, लेकिन उसके पास अगर वो प्रभु की पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं है। इसीलिए पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को लिखा था कि हमारी ये लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। हमारी का मतलब कलीसिया की लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से, किसी संगठन विशेष से, किसी डिनोमिनेशन से नहीं है। यीशु मसीह की कलीसिया की लड़ाई जो है वो सत्य के लिए है, और कलीसिया का विवेक, लोगों का कलीसिया के जो अंग हैं उनके अंदर वो विवेक हो जिसका होना अनिवार्य है, जिसके बिना ये जो विश्वास रूपी जहाज ये डूब जाता है। अब इसी को आधार मान के हम लोग आज विवेक के बारे में जानेंगे। विवेक, हमने कल आपको इसकी थोड़ा सा फाउंडेशनल बताया था कि जैसे अलार्म की घड़ी है, अलार्म घड़ी तब बोलती है जब जागने का वक्त होता है या हमें जगाना होता है, तब वो आवाज करती है। जब तक हमको, हमारे लिए सब कुछ ठीक है, सोने का वक्त है, वो हमें सोने देती है। और इसी तरीके से एक और चीज है, वो है सिक्योरिटी अलार्म। जब आप अपनी गाड़ी को लॉक करते हैं, आजकल इलेक्ट्रॉनिक लॉक है गाड़ियों में, और कोई आपकी गाड़ी को जाकर छू देता है तो क्या होता है, वो बीप करने लगती है। इसका मतलब किसी ने गाड़ी को टच किया, और जब तक ओरिजिनल ओनर जो है वो चाबी लेकर जाकर उसे बंद ना करे तब तक वो आवाज करती रहती है। इसका मतलब ये सिक्योरिटी अलार्म है, किसी ने गाड़ी को छुआ या उसको खोलने की कोशिश की। इसी तरीके से हमारा विवेक है कि जब हमको कोई व्यक्ति कुछ समझा रहा है, कुछ बता रहा है, हमारे अंदर सिक्योरिटी अलार्म काम करना चाहिए, लेकिन ये सिक्योरिटी अलार्म है क्या, विवेक। अब हम इसको समझेंगे, व्हाट इज कॉन्शियंस, ये विवेक है क्या। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 12-15 पद पढ़िए। फंक्शन क्या है इसका, इसके फंक्शन को देखिए पहले, ये क्या काम करता है। रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसका 12-15 पद,
इसलिए जिन्होंने पौलुस यहां पर दो बातें बता रहा है, एक यहूदी लोग जो व्यवस्था पाकर परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे हैं, और दूसरे अन्य जाति लोग जिनके पास मूसा की व्यवस्था नहीं है, और दोनों समुदाय को, दोनों प्रकार के लोगों को परमेश्वर न्याय कर रहा है। लेकिन परमेश्वर के न्याय का आधार है सुसमाचार के अनुसार परमेश्वर न्याय करेगा। तो अब प्रभु यीशु मसीह जब न्याय करने आ रहा है तो वो किस 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 का न्याय करेगा? अन्य जाति के लोगों का ये मानना है कि हमारा न्याय करने थोड़ी ना आ रहा है, वो तो यहूदियों का न्याय करने को आ रहा है। और कलीसिया के लोग भी ऐसे ही समझते हैं, क्योंकि कलीसिया में अन्य जाति से जो मसीह में आए हैं वही कलीसिया। तो ये कलीसिया के लोग भी इस बात को मिस इंटरप्रेट करते हैं कि हमारा न्याय नहीं हो सकता क्योंकि हमें व्यवस्था दी ही नहीं गई थी। अब हम इस विषय को समझते हैं। पौलुस यहां पर पत्री में कलीसिया को चिट्ठी लिखकर बता रहा है, ये रोमियो की कलीसिया है यानी रोमन चर्च। क्या कह रहा है? जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, ये कौन लोग हैं? अन्य जाति के लोग बिना व्यवस्था पाए पाप कर रहे हैं, बिना व्यवस्था के नष्ट हो जाएंगे। और जिन्होंने व्यवस्था पाकर, तो ये इजरायली लोग किस बात में हमसे पीछे हैं? पाप हम भी कर रहे हैं, पाप वो भी कर रहे हैं। उन्होंने व्यवस्था पाने के बाद भी पाप किया, तो उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा जी, क्योंकि क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले नहीं हाँ, पर व्यवस्था पर चलने वाले किनको वो किनको धर्मी ठहराएगा? यहूदियों में से जो व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, वो नहीं जो व्यवस्था को सुनते हैं जी। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास मूसा की व्यवस्था नहीं है, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए, तो अन्य जाति के लोग अपने आप, वो अपने आप में व्यवस्था है। मालूम क्यों? क्योंकि वो अपने मन के अनुसार चलते हैं, और उनके मन में ये ज्ञान है कि माता पिता का आदर करना परमेश्वर की आज्ञा है, चोरी ना करना परमेश्वर की आज्ञा है, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना परमेश्वर की आज्ञा है। ये उनके विवेक में है, उनकी उनकी नॉलेज में है, और इतनी बात वो लोग भी जानते हैं। और जब वो इसके विरुद्ध कुछ करते हैं तो उनका विवेक दोषी ठहराता है कि तुमने गलत किया है, तो वो अपने लिए आप ही व्यवस्था है। वे व्यवस्था की बातें, वे कौन? अन्य जाति के लोग व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं, और उनके विवेक भी गवाही देते हैं कि हाँ ऐसा ही है, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। यानी उनके अंदर दोनों चीजें हैं, आपका विवेक आपको दोषी भी ठहराता है और आपका विवेक आपको निर्दोष ठहराता है। अन्य जातियों में विवेक काम कर रहा है ना, लेकिन आज के समय में इस युग में विवेक मर गया, जिसे हम कहते हैं मनुष्य आत्मा, मरी हुई आत्मा का आत्मा मर गई। यह विवेक मनुष्य की आत्मा को बोलते हैं, और मनुष्य की आत्मा जब मर गई, अब उसको जगाने, अब आप किसको जगाएंगे? आप उनके सामने सुसमाचार सुनाते रहिए सारी जिंदगी सुनाइए, जब आत्मा ही मरी है और वो जीवित नहीं हो रही है, तो आप उनको मरे हुए को सुसमाचार सुना के क्या कर लेंगे? पौलुस स्पष्ट शब्दों में बातें कर रहा है। अब इसका एक अगला पद भी पढ़ दीजिए, 16 पद। ये पौलुस लिख क्यों रहा? आधा, जिस दिन परमेश्वर मेरे, कौन से सुसमाचार के अनुसार परमेश्वर न्याय करेगा? क्योंकि देर आर सो मेनी गॉस्पल्स इन द वर्ल्ड, बहुत से लोग सुसमाचार सुना रहे हैं और हर सुसमाचार गलत है। केवल पौलुस का सुसमाचार छोड़ के
बाकी सारे सुसमाचार गलत हैं, इसलिए पौलुस स्पेशली लिख रहा है, परंतु जब परमेश्वर न्याय करेगा पृथ्वी पर तो मेरे सुसमाचार के अनुसार न्याय करेगा। यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। मन में किस पर विश्वास करते थे, क्या विश्वास करते थे, ये गुप्त बातें है ना। इसमें परमेश्वर ने कहा तुम किसी पर दोष मत लगाना कि तुम गलत विश्वास करते हो, तुम ये विश्वास, मैंने वचन दिया तुम लोगों को वचन सुनाना, और वचन के अकॉर्डिंग कोई विश्वास नहीं करेगा तो उसका न्याय मैं करूंगा। और अगर वो पौलुस ने जो सुसमाचार सुनाया उसके अकॉर्डिंग विश्वास नहीं होगा तो वो व्यक्ति उद्धार नहीं पाएगा, ना अनंत जीवन पाएगा। स्पष्ट हो गया, एकदम पानी की तरह क्लियर है, इसमें कोई भी चीज बताने वाली नहीं है। लेकिन यहां पर ये बताइए, परमेश्वर के विषय की गवाही कहां होती है, माइंड में होती है, दिल में होती है, या विवेक में होती है? हाँ, अब आप समझिए, अब हम आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका विवेक, आप के किस स्टेट, आपके विवेक का स्टेटस क्या है। स्टेटस ऑफ अवर कॉन्शियस, कॉन्शियस गिव्स यू द एबिलिटी टू इवैल्यूएट योर ओन थॉट्स एंड डिजायर्स टू डिसर्न व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। यहां पर ये बता रहे हैं कि विवेक को मनुष्य के उस हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है, नहीं, हाँ, विवेक को मनुष्य के उस हिस्से के रूप में, नहीं, ये है कि जो मनुष्य का जो विवेक है ये वो योग्यता है मनुष्य के अंदर जो इस बात को इवैल्यूएट, का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, मूल्यांकन, कि हम अपने विचारों का और अपनी इच्छाओं का मूल्यांकन करके ये परख सकते हैं कि हमारे विचार और हमारी इच्छाएं कितनी जायज हैं और कितनी नाजायज हैं, कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, राइट और रॉन्ग, और कितनी राइट कितनी रॉन्ग, और के जायज है कि नहीं, नाजायज है कि नहीं, और कितनी जायज है और कितनी नाजायज है, ये मूल्यांकन पर आता है। एंड रॉन्ग एंड टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बेस्ट। और लास्ट में इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं अपने विवेक के द्वारा मूल्यांकन करके अपने विचारों और अपनी इच्छाओं का, कि हमें हमारे लिए अच्छा क्या है और सर्वोत्तम क्या है। कई बार लोग मालूम है अच्छे बुरे में फंसे हुए हैं, ये बुरा है ये अच्छा है, गुड एंड ईवल। और आज का युग गुड और गुड, बेटर, बेस्ट, तीन श्रेणी है, तो गुड के बाद बेटर है और बेटर के बाद बेस्ट है, तो हमको बेटर और बेस्ट में चूज करना है, और अभी हम राइट एंड रॉन्ग में फंसे हुए हैं। ये बेबी लेवल है, एक बच्चे को राइट एंड रॉन्ग बताया जाता है, लेकिन एक मैच्योर व्यक्ति गुड, बेटर एंड बेस्ट के बीच चूज करता है। हमारा चुनाव व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बेस्ट ये होना चाहिए। और अभी हम लोगों का चुनाव क्या होता है, क्या सही क्या गलत, अभी तक सही गलत नहीं पता चला, पूरी दुनिया गलत चल रही है, हम भी गलत चल रहे थे, और हमें आज तक पता ही नहीं चला कि हम कितने गलत थे। परमेश्वर का वचन सुनने का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। ये वचन इस बात को बता रहा है कि सुनने वाला व्यक्ति सुन तो रहा है लेकिन सुनना बेसुध है, वो ध्यान नहीं लगा रहा है, उसके अंदर उसका विवेक काम नहीं कर रहा, प्रश्न उठने चाहिए थे लेकिन नहीं उठे। द कॉन्शियस इज डिफाइंड एज दैट पार्ट ऑफ द ह्यूमन साइके दैट इंड्यूसेस मेंटल एंग्विश एंड फीलिंग्स ऑफ गिल्ट when we violate and violate it and feelings of pleasure and well-being when our actions, thoughts and words are in conformity to our value systems। यानी हमारा जो value system है, अब इसको हिंदी में देखते हैं कि विवेक को मानव मानस के उस हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है जो मानसिक पीड़ा और अपराध की भावनाओं को प्रेरित करता है। जब हम इसका उल्लंघन करते हैं और जब हमारे कार्य, विचार और शब्द हमारे मूल्य प्रणालियों के
अनुरूप होते हैं तो आनंद और कल्याण की भावनाएं होती हैं। नए नियम के सभी संदर्भों में विवेक के लिए अनुवादित यूनानी शब्द सुनिडिसिस है, जिसका अर्थ है नैतिक जागरूकता या नैतिक चेतना। विवेक तब प्रतिक्रिया करता है जब किसी के कार्य, विचार और शब्द सही और गलत के मानक के अनुरूप होते हैं या इसके विपरीत होते हैं। अब इसको देखिए इंग्लिश में, यही बात इंग्लिश में लिखी हुई है कि When our actions, thoughts and words are in conformity to our value system, the Greek word translated conscience in all New Testament references is sunidesis, meaning moral awareness or moral consciousness. The conscience reacts when one's actions, thoughts and words conform to or are contrary to a standard of right and wrong. रोमियो की पत्री दो अध्याय का 12 से 15 जो अभी हमने पढ़ा उसमें यही बात बताई जा रही है कि कब हम अगर गलत कर रहे हैं तो भी कॉन्शियस को हमको सिग्नल करना चाहिए, अलार्म बजना चाहिए, और अगर हम सही भी कर रहे हैं तो हमको उसका हमारी भावना में आनंद आना चाहिए अंदर हृदय में कि हाँ आई एम ऑन द राइट वे। तो ये आपको अंदर से, इसी को बोलते हैं इनर विटनेस, अंदर की गवाही। और आप दुनिया में किसी से भी धोखा खा सकते हैं लेकिन अंदर आपके विवेक से जब गवाही आएगी ना तो कभी आप पथ भ्रष्ट नहीं हो सकते। आपके विवेक से गवाही कब निकलेगी, कैसे निकलेगी, आप उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, ये मैच्योरिटी वाली बात है। इमैच्योर लोग इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, और अगर उनके अंदर से कोई आवाज आती है उसमें भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इसको कहते हैं कि हमको अंदर से इंट्यूशन हुआ। ये इंट्यूशन क्या है, ये विवेक की आवाज है। और आपके मन में जब कोई चीज खटकती है कि ये सही है नहीं, मन में अंदर उसको करने में आपको इच्छा नहीं कर रही है, रुकावट हो रही है, अंदर से दिल नहीं कर रहा है, तो रुक जाना चाहिए क्योंकि आपका विवेक इस बात की गवाही दे रहा है दिस इज नॉट राइट फॉर यू। ये बहुत हल्की, इसी को स्टिल स्मॉल वॉइस कहा गया परमेश्वर के वचन में। अंदर से एक धीरी सी आवाज आती है, इधर मत जाना, ये मत सुनो, ये मत करो, और ये पर्सनल होती है, बिल्कुल पर्सनल, और आपको इसको सुनना चाहिए। आज लोग इतने शोर भरे युग में हैं और हर समय उनके कान में लीड लगी होती है और हर समय या तो फोन लगा होता है, हर व्यक्ति कुछ सुन रहा है, तो विवेक की आवाज कहां सुनाई देगी। जब परमेश्वर का वचन में आप लगातार सुनते रहेंगे, ध्यान लगाए रहेंगे, तब आपके अंदर से विवेक आवाज करेगा। ये वैल्यू सिस्टम के आधार पे काम करता है, और जब तक वैल्यू सिस्टम ही नहीं है, स्टैंडर्ड ही नहीं लाइफ में, आपके पास कोई मानक ही नहीं है जीवन का, तो आपका अलार्म सिस्टम खराब हो गया, इनट्यून हो गया। अब वो आपको बताएगा नहीं कि क्या गलत है क्या सही है, जो तुम समझो वो करो फ्री। इसी को लिखा हुआ है परमेश्वर ने, सबको सबके मन पे छोड़ दिया, जाओ जो मन में आया करो, करप्ट। अब हम इसको देखते हैं कि द न्यू टेस्टमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्शियस इज मोर इंडिविजुअल इन नेचर एंड इन्वॉल्व्स थ्री मेजर ट्रुथ्स। तीन सत्य हमको इसमें मिलेंगे। पुराने नियम में नहीं, थोड़ा सा बीच में हम आपको एक चीज गाइड करने के लिए बताते हैं कि पुराने नियम में कोई भी इब्रानी शब्द नहीं है जो साइनिडिसिस के समकक्ष हो। नए नियम में विवेक के लिए एक हिब्रू शब्द की कमी यहूदी विश्व दृष्टि के कारण हो सकती है, जो व्यक्तिगत के बजाय सांप्रदायिक थी। हिब्रू खुद को, यानी इब्रानी लोग, यानी यहूदी लोग खुद को एक वाचा समुदाय के सदस्य के रूप में मानता था, जो एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि ईश्वर और उसके कानूनों से संबंधित था। दूसरे शब्दों में, यदि इब्रानी राष्ट्र समग्र रूप से उसके साथ अच्छी संगति में था तो इब्रानी को परमेश्वर के सामने अपनी स्थिति पर पूरा भरोसा था। यानी एक यहूदी को अपने ऊपर बहुत भरोसा था क्योंकि उसके इनर कॉन्शियस में ये गवाही थी कि मैं परमेश्वर को जानता हूं व्यवस्था के कारण, उनको व्यवस्था दी गई थी, इसलिए उनके लिए वो भी दोषी ठहराए जाते व्यवस्था के आधार पर।
विवेक की नए नियम की अवधारणा प्रकृति में अधिक व्यक्तिगत है और इसमें तीन प्रमुख सत्य शामिल हैं। पहला सत्य क्या है? पहला सत्य इसमें यह है, तीन सत्य हमको देखने को मिलेंगे नए नियम के अनुसार। कॉन्शियस इज अ गॉड गिवन कैपेसिटी फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू एक्सरसाइज सेल्फ इवैल्यूएशन, यानी आप खुद का मूल्यांकन करें। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या है? अपने आप को जांचें। उस आप अपने आप को किस आधार पे जांचेंगे, वो मानक कहां से लाएंगे? भाई आपने कह दिया कि आप ये चीज खुद तौल लो, तो तौलने के लिए आपके पास एक तराजू है, आपने तौला, हमको लगा नहीं ये आपने कम तौला, हमारी आपसे बहस हो गई, हमने कहा आपका तराजू गलत है या आपका बांट गलत है, तो वो कहेगा आप खुद तौल लो। तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तराजू और दूसरा बांट। क्या आप अपना तराजू और अपना बांट बना सकते हैं, या वही तराजू जो उसके पास है आप मार्केट से लाएंगे? तराजू जब खरीदा जाता है तो तराजू में बाट और मापक, यानी वहां पर स्टैंडर्ड्स होते हैं, हाँ, वेट एंड स्टैंडर्ड एक संस्था है, वो आपको सर्टिफिकेट के साथ सर्टिफाई करके देगी कि ये वाला बाट और ये तराजू है और इसमें छेड़छाड़ मत करना। जैसे पेट्रोल पंप के जो आप पेट्रोल भराते हैं तो उसका वो जो मशीन होती है वो सील कर दी जाती है, उसमें मानक सेट करके सील करती कंपनी, और जब कोई व्यक्ति उसमें गड़बड़ी करता है तो उसकी प्रॉपर सील तोड़कर उसके अंदर गड़बड़ी करके फिर से रीसील करता है ताकि किसी को पता ना चले कि इसमें गड़बड़ी हुई। जैसे बिजली के मीटर में भी लोग करवाते हैं, ये गड़बड़ियां जो होती हैं स्टैंडर्ड्स के साथ गड़बड़ी, ये कितनी ज्यादा आज के युग में हो रही है, और ये आसान बात हो गई है और हर व्यक्ति इसको कर रहा है, तो लोग स्टैंडर्ड्स को बिगाड़ कर तौल रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास हमारा खरीदा तराजू और बाट होगा, हम उसमें तौलेंगे, अगर उसमें भी उतना ही निकला तो हम संतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं तुम्हारा तराजू बाट भी सही है, तुम्हारी तौल भी सही है। ठीक यही बात यहां पर स्पिरिचुअली बोली जा रही है कि परमेश्वर ने हमें विवेक दिया है। ये विवेक क्या काम करता है? ये विवेक हमको इसलिए दिया गया है ताकि कोई तुमसे कहे कि ये ईश्वर है और तुम उसे ईश्वर मान लेते हो, ये गलत है। तुम्हारा विवेक क्या काम कर रहा है? क्या तुमको अपने विवेक से ये जांच नहीं करनी चाहिए? परमेश्वर का सत्य वचन अगर तुम्हारे पास है, ये है स्टैंडर्ड नापने वाला औजार, ये बताएगा आपको ट्रुथ कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसे काम करता है। एवरी ट्रुथ इज इन दिस बुक, दिस इज कॉल्ड बाइबल। ये हमारे पास स्टैंडर्ड है और यही परमेश्वर का स्टैंडर्ड, हम इसके द्वारा विवेक अगर है तो हम विवेक से इस स्टैंडर्ड में जाकर ये देख सकते हैं कि वाकई में मनुष्य क्या है और परमेश्वर क्या है, और मनुष्य और परमेश्वर के बीच कैसे संबंध स्थापित हो सकता है, एक पापी मनुष्य और एक पवित्र परमेश्वर, परम पवित्र परमेश्वर कैसे हो सकता है, इसमें आपको मेल कैसे हो सकता है। दो एक्सट्रीम है, मसीह की देह के बिना ये काम संभव नहीं है जी। अब इसको देखिए, यहां पर एक पद है, नीति वचन की पुस्तक उसका 20 अध्याय का 27 पद पढ़िए, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। मनुष्य की आत्मा, यहोवा का मतलब होता प्रभु, लॉर्ड। मनुष्य की आत्मा क्या है? दीपक है। दीपक का मतलब लैंप होता, लाइट नहीं होता है, दीपक है हमारी आत्मा, जो हमारा विवेक है वो लैंप है, लाइट नहीं। अब इस लैंप में लाइट कहां से आएगी? देखिए, ये जो लैंप है ये हमारे अपने मन की, हमारे मन की, जिस मनुष्य का जो विवेक, उसकी अंतरात्मा जो है वो उस मनुष्य के अंदर मन में जो कुछ है उसकी सब बातों की खोज करता है। किसकी? स्वयं की। मनुष्य का विवेक ये जानता है कि, जिस मनुष्य का विवेक, उसका विवेक ये जानता है कि मैं कैसा हूं,
और मैं क्या कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं, मैं कहां गलत कर रहा हूं कहां सही कर रहा हूं, मैं क्यों गलत कर रहा हूं क्यों ऐसा कर रहा हूं, ये सब बातें, यही इनर विटनेस है। जब किसी व्यक्ति को, जब शातिर अपराधी होता है और सच नहीं उगलता है तो उसको नशे में डालकर और उससे बातचीत की जाती है और वो सच उगलता है। क्यों? क्योंकि उसके विवेक से वो सच निकल के आता है, वो बेसुध होता है उस समय, वो दिमाग से उस चीज को छिपा कर बात बनाकर बोल नहीं पाता, बल्कि वो नशे में आदमी सच बोलने लगता है उसके अंदर, क्योंकि वो अंदर का सब जानता है, मैं क्या हूं वो सब बताने लगता है। इसी को बोलते हैं वो कौन सी जांच होती है, वो नारकोटिक्स वाली, उसमें सब सच उगलवा लिया जाता है। ये मनुष्य के विवेक में सत्य होता है, और जब मनुष्य नशे में होता है वो सत्य निकलने लगता है, बेसुध होता है। जब मनुष्य होश में होता है ना तो वो छल से अपनी बात को घुमाता है, और ये नीति वचन में लिखा हुआ है कि हर मनुष्य छल करके अपने आप को छिपाता है कि वो गलत है, नहीं सही है, लेकिन हर मनुष्य गलत होता है। तो इसीलिए विवेक बहुत बड़ी चीज है, और विवेक में गवाही होना एक सच्चे यीशु मसीह के चेले और मसीह की देह का सच्चा अंग होगा, उसका विवेक उसको बताएगा कि वो सही है कि नहीं है। विवेक की गवाही बहुत मायने रखती है, जमीन पर भी और परमेश्वर के यहां भी। जी, अब देखिए, द स्पिरिट ऑफ मैन दैट फैक्टर इन ह्यूमन पर्सनैलिटी विच प्रोसीड्स इमीडिएटली फ्रॉम गॉड इज द लैंप ऑफ द लॉर्ड सर्चिंग ऑल हिज इनर मोस्ट पार्ट्स। उसके अंदर की सब सच्चाई उसकी आत्मा जानती है, यानी उसका विवेक, और वो विवेक सच जानता है। आप अपने अंतर आत्मा में झांक के देखिए, आपको पता चल जाएगा आप कहां गलत है। आप जब बैठे विचार कर रहे हैं क्या गलत विचार कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। जब आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो परमेश्वर का वचन आपको कन्विक्ट करेगा, पवित्र आत्मा का कन्विक्शन होगा कि हाँ मैं यहां गलत हूं, मैं ये करता हूं, मैंने ये गलती की है, तुरंत आपको कन्विक्शन होगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, और अगर आपकी आत्मा अंदर है तो वो आपको बताएगी कि तुम गलत हो वचन सुनते समय भी। अब देखिए, पॉल रेफर्स सेवरल टाइम्स टू हिज ओन कॉन्शियस बीइंग गुड और क्लियर। पॉलुस कई बार नए नियम में अपने विषय में इस बात को कहता है, अपने अच्छे विवेक के बारे में या अपने शुद्ध विवेक के बारे में बात करता है। प्रेरितों के काम उसका 23 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। देखिए, काहे से बिता, विश्वास की बात कर रहा है कि विवेक की बात कर रहा है। कई बार विश्वासी केवल विश्वास पे अटका हुआ है और अशुद्ध विवेक में फंस गया, और वो वीक कॉन्शियस है, कमजोर विवेक। आप कमजोर विवेक के लिए आपको बता दें, अक्सर आप न्यूज में सुनते होंगे कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। इतना कमजोर विवेक है कि किसी ने एक शब्द बोल दिया तो ठेस पहुंच गई। इसको कहते हैं वीक कॉन्शियस, निर्बल विवेक। निर्बल विवेक जिस व्यक्ति का होता है, इमेच्योर, रिलीजियस इमेच्योर, स्पिरिचुअल इमेच्योर, बहुत हैंडल विद केयर वाले होते, कांच की तरह कि जरा सा कुछ गलत देखा वहीं टूट के चूर हो चूर हो गया, अरे इन्होंने ऐसा कर दिया। कितना निर्बल विवेक है। अरे इस संसार में शैतान बहुत कुछ करके दिखाएगा, तुम्हारे ठोकर नहीं लगनी चाहिए, इसलिए क्योंकि तुम्हारा अगर विवेक शुद्ध है तो तुम्हें ठोकर नहीं लगेगी। ये तो आम बात है, ये तो होना है, आप ऐसे बोलेंगे, ये मैच्योरिटी लेवल होता है। जी, प्रेरित काम 24 अध्याय 16 पद, इससे
इस पौलुस कह रहा है इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। मैं विवेक को दोषी नहीं, मेरा विवेक दोषी ना, मुझे दोषी ना ठहराए। और अगर आपका विवेक आपको दोषी नहीं ठहराता तो कोई आपको दोषी नहीं ठहरा सकता, कोई नहीं। इतना शुद्ध विवेक होना चाहिए। Paul examined his own words and deeds and found them to be in accordance with his moral and moral being, नहीं, moral and value system। यानी पौलुस यहां पर यह कह रहा है कि नए नियम में बार बार इस विषय को वो उठाता है पौलुस, और पौलुस कहता है विवेक मनुष्य के लिए आत्म मूल्यांकन करने का ईश्वर प्रदत्त क्षमता है। अच्छा, अनुसार पाया जो निश्चित रूप से मानुकों पर अंतरात्मा उनके दिल की अखंडता की पुष्टि की। यहाँ पे ये लिखा है पौलुस अपने स्वयं के शब्दों और कार्यों की जांच की और उन्हें अपनी नैतिकता और मूल्य प्रणाली के अनुसार पाया जो निश्चित रूप से परमेश्वर के मानकों पर आधारित थे। उनकी अंतरात्मा ने उनके दिल की अखंडता की पुष्टि की। ये पौलुस की गवाही है। और ये लिखा हुआ है एंड फाउंड देम टू बी इन अकॉर्डेंस विद हिज मॉरल्स एंड वैल्यू सिस्टम व्हिच वर बेस्ड ऑन गॉड्स स्टैंडर्ड्स। यानी परमेश्वर के मानकों के आधार पर वो अपना मूल्यांकन करता था अपने विश्वास का और अपने कार्यों का। हिज कॉन्शियस वेरीफाइड द इंटेग्रिटी ऑफ हिज हार्ट। उसके हृदय कैसा है इस बात को बताने के लिए यह बहुत जरूरी था। और दूसरा पॉइंट है द न्यू टेस्टमेंट पोर्ट्रेज द कॉन्शियस एज अ विटनेस टू समथिंग। यानी नए नियम में ये जो कॉन्शियस है ये हमारी आत्मा, मनुष्य की आत्मा है जो अंदर से गवाही देती है, ये विटनेस करती है। आपको मालूम है व्यवस्था में क्यों ये लिखा गया है कि किसी भी बात की पुष्टि दो या तीन गवाहों के द्वारा होती है? क्यों लिखा गया? क्योंकि अगर दो व्यक्ति, एक व्यक्ति झूठ भी बोलेगा तो तीन अगर हैं तो उसमें से दो सच बोलेंगे, और यदि दो झूठ बोलेंगे तो एक सच जरूर बोलेगा। तो इसीलिए इनमें आपस में बोली में अंतर होगा, गवाही में अंतर होगा। जब आप किसी केस की सुनवाई करते हैं एज अ जज, आप वहां पे चार गवाह आएंगे और चारों गवाहों के स्टेटमेंट अलग अलग होंगे, और क्रॉस एग्जामिनेशन से यही पुष्टि की जाती है कि ये चारों एक ही बात के विषय में अलग अलग व्यूज में बोल रहे हैं या ये अलग अलग दृष्टिकोण बोल रहे हैं, ये जांचा जाता है। यही क्रॉस एग्जामिनेशन है, प्रोसिक्यूशन का काम है। और इसीलिए उस प्रोसिक्यूशन को कंप्लीट करने के बाद ही इस निष्कर्ष में पहुंचा जा सकता है कि जो जो अपराधी है वो आरोपी है या दोषी साबित होने लायक है, तब उसको दोषी डिक्लेयर किया जाता है, कन्विक्ट किया जाता है। अब देखिए आपका आपका जो विवेक है जब उस वो अंदर से दोष लगाता है तो इस दशा को मनुष्य के स्वभाव में जब ऐसा होने लगता है इसको कहते हैं आत्मग्लानी, या उर्दू में कहते हैं कि आपकी आत्मा अंदर से कायल करने लगती है, तुमने गलत किया, तुमको माफी मांगनी चाहिए, तुमने गलत किया। तो आपके अंदर से एकदम से ऐसा बेचैनी सी होती है और आपको लगता है मैं जाकर उससे माफी मांग, और आप तुरंत जाके कहते हैं माफ कर दो भैया, और जैसे ही आप माफी मांगते हैं आपको एकदम शांति का और एकदम हल्का फील होने लगता है, होता है क्या ना? और अगर आप किसी से झगड़ा करके उसी दशा में सो जाते हैं आपको पहली चीज नींद नहीं आएगी, और वहां से आपके मानसिक उलझन शुरू होने लगेगी, साइकोलॉजिकल सिस्टम बिगड़ने लगेगा। ये हमारा अलार्म सिस्टम काम करता है, ठीक है? एक एक वर्ष हम लोग छोड़ गए, पहला कुरंथियों 4:4 भी पढ़ दीजिए, पहले वाले उसके विषय में, क्योंकि मेरा मन, पौलुस कह रहा क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इसके बावजूद मैं निर्दोष नहीं ठहरूंगा क्योंकि परमेश्वर न्याय करेगा। हो सकता है कि कोई चीज मेरे मूल्यांकन से चूक गए हो। कभी कभी हम मूल्यांकन में चूक जाते हैं, हम मनुष्य हैं, लेकिन परमेश्वर का न्याय सच्चा न्याय होगा, इसलिए वो अपने मूल्यांकन पे जोर तो दे रहा है
और कलीसिया को सिखा भी रहा है, लेकिन साथ साथ ये कह रहा है कि तुम्हारा मूल्यांकन 100% तो नहीं होगा, लेकिन करना जरूरी है। और ये परमेश्वर सच्चा न्याय परमेश्वर है, तो अंतिम न्याय परमेश्वर करेगा। तो परमेश्वर के न्याय को आप सबसे आगे रखें। और इसी विषय में पवित्र आत्मा हम लोगों को निरुत्तर करता है। फिर उसके बाद दूसरा जो न्यू टेस्टामेंट वाला है, ये अंदर की गवाही है। पॉल सेज द जेंटाइल हैव कॉन्शियस दैट बेयर विटनेस टू द प्रेजेंस ऑफ द लॉ ऑफ गॉड रिटन ऑन देयर हार्ट इवन दो दे डिड नॉट हैव द मोज़ेक लॉ। यानी मूसा की व्यवस्था लिखित रूप में उनके पास नहीं है, लेकिन अन्य जाति के लोगों के स्वभाव में व्यवस्था काम करती है। वो लोग कहते कि नहीं ये गलत है, जो गलत है वो व्यवस्था में जो चीज गलत लिखी वो उसको मानते कि हाँ ये गलत है, अग्रीमेंट है पूरा। रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसके 14-15 पद में यही बात बताया उसने। तीसरा पॉइंट, द कॉन्शियस इज अ सर्वेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स वैल्यू सिस्टम। ये जो कॉन्शियस हमारा विवेक है, ये विवेक व्यक्ति की मूल्य प्रणाली का सेवक है। एक अपरिपक्व या कमजोर मूल्य प्रणाली एक कमजोर विवेक पैदा करती है, जबकि एक पूरी तरह से सूचित मूल्य प्रणाली सही और गलत की मजबूत भावना पैदा करती है। अब आप इसको इंग्लिश में देख लीजिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। द कॉन्शियस इज अ सर्वेंट ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम एंड इमेच्योर और वीक वैल्यू सिस्टम प्रोड्यूसेस अ वीक कॉन्शियस व्हाइल अ फुली इन्फॉर्म्ड वैल्यू सिस्टम प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इन द क्रिश्चियन लाइफ वन्स कॉन्शियस कैन बी ड्रिवन बाय एन एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग फॉर स्क्रिप्चुरल ट्रुथ एंड कैन प्रोड्यूस फीलिंग्स ऑफ गिल्ट एंड शेम डिसप्रोपोर्शनेट टू द इश्यूज इश्यूज एट हैंड मैच्योरिंग इन द फेथ स्ट्रेंथेंस एंड कॉन्शियस। यानी विश्वास को और हमारे विवेक को मैच्योर व्यक्ति का ये मैच्योरिटी है क्या, जब हमारा विश्वास और हमारा विवेक दोनों स्ट्रांग हो जाते हैं और एकदम एस्टैब्लिश हो जाते हैं, इसी को स्पिरिचुअली मैच्योर कहा गया है। इसको समझने के लिए एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, 1 तिमोथियस 3:9। पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से, ओ ये बड़ी कीमती चीज है। इसका मतलब क्या, विश्वास नहीं, विश्वास की बात नहीं कर रहा यहां पे, कह रहा विश्वास का भेद, यानी द सीक्रेट ऑफ फेथ। सीक्रेट ऑफ फेथ, ये मिस्टिक फेथ बोलते हैं इसको। इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में क्या लिखा है, फर्स्ट तिमोथियस 3:9, वी मस्ट पजेस द मिस्टिक सीक्रेट ऑफ द फेथ क्रिश्चियन ट्रुथ। इसी को बोला गया है एज हिडन फ्रॉम अनगॉडली मैन विद अ क्लियर कॉन्शियस। यानी एक व्यक्ति जो परमेश्वरीय व्यक्ति नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, बॉर्न अगेन नहीं है, राइट पर्सन नहीं है, वो कभी भी इस विश्वास तक नहीं पहुंच पाएगा जो गुप्त है। इस विश्वास तक पहुंचने के लिए ये एक मिस्टिक फेथ है, जिसको इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, क्रिश्चियन यानी मसीही सत्य। ये मसीही सत्य आपके अंदर पवित्र आत्मा एस्टैब्लिश करता है। ये आपको आपके विवेक से आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आपका विवेक इस बात की गवाही जरूर देगा कि वो आपके अंदर जब होगा तो आपके जीवन से प्रकट कर देगा। इसी के साथ एक पद और पढ़ दीजिए, 1 कुरिन्थियों 2:11 और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हे मेरे भाइयों, नहीं नहीं 1 कुरिन्थियों 2:11
उसका 11 और 12। हाँ, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें, मनुष्यों में से, आप इंग्लिश में निकाल दीजिए इसको साथ साथ, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है जो मनुष्य की आत्मा नहीं, कौन, कुछ गड़बड़ी हो, नहीं, कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है केवल केवल मनुष्य की आत्मा के, हाँ, यानी आपकी आत्मा आपके बारे में सब कुछ जानती है और दूसरा परमेश्वर जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता, तीसरे को आप जो बताते हैं अपने विषय में वो जानता है और उसी तरीके से वो आपको मानता है, लेकिन आप एक्चुअल क्या हैं वो आपकी आत्मा को मालूम है और परमेश्वर को मालूम है, ये बात बताई जा रही है। इसीलिए वहां पर नीति वचन में लिखा है मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है और मनुष्य की सब भीतरी बातों को जांचता है, तो केवल वही जानता है, वो जांचता है। जी है? जी, दो हिंदी में पहले 12वीं कर दीजिए ताकि दोनों एक साथ इंग्लिश में पढ़ें। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। जी, और ये हमारी आत्मा जानती है कि हम किन बातों को जान रहे हैं। अब इंग्लिश में पढ़िए, फॉर वॉट पर्सन परसीव्स नोज एंड अंडरस्टैंड्स वॉट पासेस थ्रू अ मैन्स थॉट एक्सेप्ट द मैन्स ओन स्पिरिट विद इन हिम जस्ट सो डो नो वन डिसर्न कम्स टू नो एंड कॉम्प्रीहेंड द थॉट्स ऑफ गॉड एक्सेप्ट द स्पिरिट ऑफ गॉड। नाउ वी हैव नॉट रिसीव्ड द स्पिरिट दैट बिलोंग्स टू द वर्ल्ड बट द होली स्पिरिट हु इज फ्रॉम गॉड गिवन टू अस दैट वी माइट रियलाइज एंड कॉम्प्रीहेंड एंड अप्रिशिएट द गिफ्ट्स ऑफ डिवाइन फेवर एंड ब्लेसिंग्स so freely and lavishly bestowed on us by God। कलीसिया में सब लोगों पर वो वरदान उंडेल रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। हमें संसार की आत्मा नहीं मिली है कि हम वो बातें करें जो संसार में हो रही है, हमें परमेश्वर की आत्मा मिली है ताकि हम वो करें जो परमेश्वर हमसे कहता करने को। और परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता केवल परमेश्वर की आत्मा के, जैसे मनुष्य की बातें कोई नहीं जानता केवल मनुष्य की आत्मा के। थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज हम इस विषय में जहां तक पहुंचे हैं, इतना विषय है, इस ये विषय यहां तक हर एक को ऐसा स्पष्ट हो जाए कि उन्हें पता चल जाए कि परमेश्वर आप मनुष्य के भीतरी अंतर आत्मा की आवाज को भी जानते हैं, अंतरात्मा की हालत को भी जानते हैं कि जीवित है या मृतक है। और जब तक कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर वास्तव में विश्वास नहीं करता, सुसमाचार को ग्रहण नहीं करता, उसकी अंतरात्मा मृतक अवस्था में रहती है। वो उसी दिन जीवित होती है जैसे ही वो यीशु मसीह पर विश्वास लाता है, उसकी आत्मा जीवित हो जाती है और उस व्यक्ति के मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। इस हिसाब से उसके दीपक में पवित्र आत्मा का प्रकाश आने लगता है और उसका जीवन प्रकाशमय जीवन बनने लगता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके महान कार्य के लिए जो आप कलीसिया में हर एक अंग के जीवन में करके अपनी महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। ये आपका कार्य हर एक व्यक्ति के जीवन में
पूर्णता तक पहुंचे और आपकी महिमा हो, सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।